सुजानपुर टिहरा में सफाई व्यवस्था का हाल देखकर राहगीरों को मुंह ढककर गुजरना पड़ रहा है। वहीं गर्मी के दिनों में सफाई व्यवस्था ठीक न होने से बीमारियों को न्योता मिलना शुरू हो गया है, लेकिन नगर परिषद के आधिकारिक कार्यालय में बैठकर समय व्यतीत कर रहे हैं, जिसको देखकर लग रहा है कि प्रशासन लोगों की स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं है। सुजानपुर टिहरा में सफाई व्यवस्था का हाल देखकर राहगीरों को मुंह में रुमाल लेकर गुजरना पड़ रहा है। वहीं गर्मियों के दिनों में सफाई व्यवस्था ठीक ढंग से न होने के कारण बीमारी को न्योता मिलना शुरू हो गया है, लेकिन नगर परिषद के अधिकारी कार्यालय में बैठकर ही समय व्यतीत कर रहे हैं, जिसको देखकर लग रहा है कि प्रशासन लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नजर नहीं है। वहीं नगर परिषद में कार्यकारी अधिकारी का पद रिक्त होने के कारण लोगों की समस्याओं को न कोई भी नहीं सुन रहा है, जिसके चलते लोग अपनी समस्याओं के निदान पाने के लिए वार्ड पार्षदों के पास जा रहे हैं, लेकिन आश्वासन के अलावा उन्हें कोई भी हल नहीं मिल रहा है। वहीं आवारा पशुओं की झुंड भी कूड़ेदानों के इर्द गिर्द घूमना शुरू हो गए हैं, जिससे राह चलते आदमी पर हमला करने से भी वह जान पर परहेज नहीं कर रहे हैं। सुजानपुर के वार्ड नंबर 1 में शीतला माता मंदिर के पास लगे डस्टबिन में कूड़े के ढेर से लोग परेशान हैं, जिस कारण लोगों को वहां से गुजरना भी मुनासिब हो रहा है। लोगों ने सोशल मीडिया पर भी कूड़े के ढेर की फोटो डालकर विरोध जताना शुरू कर दिया है, लेकिन नगर परिषद द्वारा सफाई का टेंडर सफाई कर्मचारी को देकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। ज्ञात रहे कि नगर परिषद द्वारा सफाई के ठेकेदार द्वारा घर घर जाकर कूड़ा इकट्ठा किया जाता था, जिसकी एवज में लोगों द्वारा 150 रुपए प्रतिमाह दिया जाता था, लेकिन लोगों ने 150 रुपए देने के बावजूद भी सफाई कर्मचारी घरों से कूड़ा नहीं ले जा रहे हैं, जिसके चलते लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सुजानपुर के 9 वार्डों का दौरा करने के बाद पता चला कि सुजानपुर में शहर की सफाई नाम मात्र की है, जिसके लिए सुजानपुर का मुख्य बस स्टैंड भी अछूता नहीं नजर आ रहा है, जिसको सुबह ही दौरा करने पर पाया गया कि कूड़े के ढेर बस अड्डे पर नजर आएंगे, जिसके शहर की सफाई व्यवस्था की पूरी पोल खुलती नजर आ रही है। नगर परिषद अध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में शीघ्र ही सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। सफाई व्यवस्था को लेकर जो चर्चा आजकल दौर चला हुआ, उसके बारे में सर आप बताइए। हमारा टेंडर हो चुका है, पहले जुलाई से नए ठेकेदार आ रहे हैं और साथ में हमने 8 आदमी और बढ़ा दिए हैं। पहले 18 आदमी थे, 26 आदमी आएंगे और उनके घर घर से कूड़ा भी उठाया जाएगा। 3 टेम्पो लग लगेंगे घर घर से उठाने के लिए। और ये ठेकेदार का ठेका मैंने रद्द किया हुआ है, इसकी सफाई व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं थी। शहर में गंद बढ़ हुआ था, बीमारी फैलने का डर था। पहले तरीके से बिल्कुल सफाई व्यवस्था बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसका हम जो महीने के पैसे बनते हैं, हम उसका टेंट पैसे नहीं पास करेंगे। उसके जो सफाई कर्मचारी हैं वो आधे रह गए हैं, बिल्कुल सफाई नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आटा देख रहे हैं, किसी बाढ़ में नहीं जा रहे हैं, कोई नाली साफ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे, उसको उन्होंने नोटिस निकाला है। हम तो क्या कर सकते हैं, बस 2 दिन रह गए हैं। वक्त तो चला, छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।